उपजाभूतस्य इति तत्त्वबोधिनी में थोड़ा विशेष कह रहे हैं, पृष्ठ 532। सूर्य तिशेत्यता उपदाय इत्यनुवर्तते इति भाव ननु यस्यति चेति ययो अकार लोपे कृते यकारस्य ईकार परत्वम् अस्त्येव किम् उपदा ग्रहणानुवृत्त्या। जब अकार लोप हो गया य से पर अव्यवहित पर में ही रहेगा, फिर उपदा ग्रहण करने क्या जरूरत है। न च अल्लोप स्थान भाव, अल्लोप का सदभाव हो जाएगा, व्यवधान होगा, ऐसा नहीं कहना। क्यों? ये लोपे तो निषेधा अत्राहो यलोपे कर्तव्य अल्लोपस्य आभियत्वेन असिद्धत्वात्। यहाँ भले स्थानद्भाव का निषेध हो, लेकिन स्थानद्भाव में तब जरूरत पड़ता है जब लोप हुआ होता वास्तव में, लेकिन वास्तव में यह लोप हम नहीं मानते। क्यों? वो असत्य आभी कार्य होने के नाते असत्य, असिद्ध वत्रा आभात। लघु में भी है ना सूत्र, असिद्ध वत्रा आभात। समान आश्रय कार्य कर्तव्य पूर्वकृतं कार्यम असिद्ध आभात। भ संज्ञा का अधिकार तक जितने भी सूत्र है सभी के मामले में ये लगेगा। ये कहा अतः 3, 6, 4, 22 से लेकर के 6, 4, 175 तक असिद्धोत्तर आभात का व्यवहार चलता है। उसी बीच के भी सूत्र होने के नाते वहां लोप जो किया है किस उससे ये सिद्ध से वो असिद्ध रहेगा। अतः स्थान भाव की जरूरत ही नहीं, वो तो वह पहले से ही है, गया तो है ही नहीं, वो तो वहीं दिख रहा है ये नहीं। अतएव उपधा ग्रहण करना आवश्यक है। अन्यत्वाहु अन्य को कहना है सूत्रारंभ सामर्थ्याद अल्लोप असिद्धत्वम न भवति, सूत्रारंभ सामर्थ्य से ही अल्लोप असिद्ध नहीं मानेंगे। तथा च उपधा ग्रहणम विनापि नात्र क्षति, इसे उपधा ग्रहण के बिना भी या कोई क्षति नहीं होगी। एवं च सूर्यतिष्याद सूत्रे भी उपधा ग्रहणम त्यक्तुम शक्यम उक्त युक्ते है, उसी युक्ति के आधार पर ऐसे भी कुछ अन्य लोगों का कहना है। सूत्रारंभ सामर्थ्याद कहने से काम चलता नहीं। सूत्रारंभ का सामर्थ्य तब होता ना जब अन्यत्र उसको अवकाश ही न रहे, निरवकाश बताना पड़ेगा उसको, तभी आरंभ सामर्थ्य के आधार पर काम कर सकते हैं। इसलिए किचित्व करके अस्वारस्य को संकेत कर दिया गार्गी थी। यहाँ भी देखिए अनपत्याधिकारे थे, वास्तविक में वार्तिक क्या था, यद्यपि आपत्ति ग्रहण कर्तव्यम इत्यो वार्तिकम, वार्तिक इतनी ही थी। आपत्त्याधिकार ये कहाँ से घुसाया आपने, यद्यपि इतना वार्तिक है तथापि आप अपत्याधिकार विहित परम तत् भाष्कर के आधार पर कहेंगे। तादृशश्च गर्गादि यही एव नतु देवादि, और इस प्रकार का जो होगा वो गर्गादि से विहित जो यही है वो अपत्याधिकार में रहने सूत्र से विहित यही है, और देवादि से विहित जो यही है वो अपत्याधिकार से बहिर्भूत अधिकार में रहते हुए विहित सूत्र के द्वारा है। तस्य अपत्याधिकारात् प्रागेव पाठात्, क्योंकि अधिकार से पहले है वो, तो अतएव भाष्यकृता यञश्चित्यत्र कई परोपो अयञश्च इति गर्गादिभ्यो यञित्यत्र अयञ इति चकारः प्रश्नः। इसलिए सारे दोषों को दूर करने के लिए भाष्यकार ने बहुत सरल तरीका निकाल दिया। उन्होंने कहा भाष्यकार ने यञश्च यहाँ पर भी कई परोपो अयञश्च ऐसा वहाँ भी जोड़ दिया, और गर्गादि यही में भी अयि ये सूत्र जो थी चकार प्रश्निष्ठा। ये कहाँ बोल रहे हैं, यश्च सूत्र में बातें करती यश्च जो वर्तमान सूत्र हम पढ़ रहे हैं जिसके दृष्टांत आप पढ़ा अपने गार्गी, इसी सूत्र के भाष्य में बात लिखी गई है। मैंने यश्च में प्रश्निष्ठ नहीं अयश्च नहीं पाठ करना, यश्च सूत्र में उन्होंने बात कही है। एवं च यही अयोश्च इति सूत्रे भी यस्काव्य गोत्रे आयोश्च इत्यकार प्रश्निष्ठा, पूर्व सूत्र के साथ जोड़ता हुआ गोत्र है वहां पर अ का अवग्र चिन्ह करके जोड़ लेना है, वहां भी प्रश्निष्ठ ने कहा है। एतच्च मनोरमा ग्रंथानुसार अनुरोधेन उक्तम, ये सारी बातें मनोरमा ग्रंथ के आधार पर प्रश्लेष व्यवस्था देख करके सिद्ध कर देंगे। इन नव्यास्तो अधिकार ग्रहण यह अनर्थकम नार्थकम, ऐसे भी पाठ है, अथवा यह अनर्थकम नकार और आकार आगे पीछे हो गया, यदि अलग नहीं तो फिर क्या अलग करना पड़ेगा ना, अलग दूर करना पड़ेगा ना इसको। अधिकार ग्रहण यह नार्थकम मन अर्थकम न, थोड़ा दूरी में छपनी चाहिए, अथवा अ के बाद न को ले जाओ, यानर्थकम दीर्घ कर दो अकसम दीर्घ। यथाश्रुत वार्तिकेन द्वीपे भवा द्वैप्य रूप सिद्ध है,
उनका राजकार शब्द को ग्रहण के बिना भी जो है ना काम चल जाएगा, कि जैसा श्रुत वार्ते के आपत ग्रहण कर्तव्य हम करके उतने से द्वीपे द्वा द्वीप्य इत्यादि रूप बन जाएंगे। कैसे न च देवस्य अपत्यम स्त्री दैव्या इति रूप से असिद्धि संज्ञा, यहाँ असिद्धि हो जाएगा देवस्य अपत्यम स्त्री दैव्या। तो कोई मान लिया जाए कि आपका जो है द्वीपे भवा द्वीप्या भव अर्थ में है, वो इसे वो तो भले सिद्ध हो गया, अपत्य अपत्य अर्थ तो है नहीं, यानी यहां पर क्या करोगे देवस्य अपत्यम स्त्री में दैव्या में, यहां भी तो यही हो रहा है, अर्थ तो अपत्यम स्त्री तो ले रहे हैं, बेटी ले रहे हैं, देव का जो बेटी ऐसा ले रहे हैं आप, ये रूप असिद्ध हो जाएगा इति न शंका, क्योंकि अयस्थिति भाष्यकार निष्कर्षात तत्सिद्ध है, भाष्यकार सिद्धि से सिद्ध हो जाएगा। नहीं देवादयो इत्यत्र अयि इति अकार प्रश्लेषम शक्यते, लेकिन बाकी सब सूत्रों में अकार प्रश्लेष के लिए आसान है कि पूर्व में एकारांत इत्यादि है वहां तो अकार प्रश्लेष माना जा सकता है, यदि यहाँ कैसे मार्ग देवादयो देवाद हलंत है, द और य के बीच अकार कहीं से घुसा हो, प्रश्लेष कैसे माना जाए, नहीं मान सकते, जहाँ आकर्षण दीर्घ है एकारांत से परम है तो अकार कहेंगे भाई ये तो यंगी पूर्व होंगे क्या यंगा पदांत से पूर्व हो गया इत्यादि कल्पना कर सकते हैं वहां प्रश्लेष का, यहाँ कैसे होगा इत्यत्र अयं इति अकार प्रश्न नहीं शक्यते, यहाँ प्रश्न नहीं कर पाओगे आप, किंच इतना ही नहीं अधिकार ग्रहण अभिजितो अपत्यम स्त्री इति अनंतात् स्वार्थे अभिजित विदभृत इत्यादि ना यही अभिजीती इति रूपम न सिद्धे, यदि अ यही कर दोगे अभिजित क्या है हलंत है ना, वो आकार का लोप नहीं कर पाओगे आप, अ यही कर दोगे आप अयही प्रत्यय करेंगे अय बचेगा वो आकार का लोप कैसे, हलंत है द अभिजित द में वो मिल जाएगा तो अभिजीती स्त्री में जो लिंग में बनेगा रूप वो नहीं बन पाएगा, यह आपत्ति है। तब दूसरा जवाब कहते हैं ऐसे इसमें भी आपत्ति नहीं आएगा, क्यों न सिद्ध श्रु श्रु मदणो यही इति आकार प्रश्लेषण, यहाँ तो अणो है ना एंग पदा देते माना जा सकता है, यहाँ तो आकार प्रश्लेष मान लेंगे आकार इति आकार प्रश्लेषण भाषकर रीत्या यज्ञीप संभवाद इत्याहु, तब जवाब वहाँ पर ऐसे करते हैं कि भाष्यकार के आधार आकार को प्रश्लेष मानेंगे, वो आकार प्रश्लेष मान करके भाष्यकार के अनुसार गीबंत होकर के सिद्ध हो जाएगा रूप, स्यादे तत् यानी सब बात तब बनती जब अकारम प्रश्लिष्य गर्गादिभ्य यही कृदय गार्गी रूपम न सिद्ध है, अकार को प्रश्लेष मान करके सब जगह मान लोगे फिर गर्गादिभ्य यही से जो यही हुआ यहाँ गड़बड़ रूप हो जाएगा, गार्ग्य कैसे बनेगा ना, गर्ग है यही आय यही हुआ आय यही अय बचेगा गर्ग अय गर्ग अय, अब गकार गका आदि वृद्धि हो गया गार्ग अय ऐसे सकार का लोप भी कर दोगे प्रत्येक आकार जगह मिल जाएगा, गार्ग्य नहीं बनेगा गार्गय बनेगा, यह आपत्ति होगी। इति न सिद्धे विद्यत मैवाम वार्तिक प्रत्याख्यानाय भाषकृत आकार प्रश्लेष कृते भी तस इत्संजगत्ते लुप्तत्वादिष्ट सिद्धे है, तो समाधान देखो बड़ा आसान कर दिए, कहते वार्तिक प्रत्याख्यान करने के लिए भाष्यकार इतना मेहनत किए हैं इसलिए वो जो आकार जो प्रश्लेष कहा गया वो आकार क्या है अनुनासिक आकार होने से वो इत्संजक माना जाएगा, इत्संजक होकर लोप हो जाएगा उपदेशज अनुनासिकित संज्ञा हो जाएगा उसका अनुनास का अच्छा होने से और लोप हो जाएगा, तो यही बचेगा आकार प्रश्लेष करने का लाभ भी मिल गया और उसे जो दोष हो रहा था दोष भी दूर हो गया इस संज्ञा मान लेने से, ये युक्ति है। लुप्तत्वादिष्ट सिद्ध है एवं च परक्षुना इति पाठ कुरोपो आयश्चिति भाष्य वृद्ध इति स्पष्टमेव, इसे जो लोग मानते हैं करपक्षुना में करपो आयश्च करके जोड़ देते हैं वह भाष्य वृद्ध ही माननी चाहिए, मैंने करपक्षुना पाठ गलत होना चाहिए भाष्य के अनुसार कोरोपो आयश्च ये होना चाहिए, इति भाष्य वृद्धि स्पष्टमेव। अब लौटी प्राचांश्व तद्धितः प्राचां षष्ठी बहुवचन
श्वा प्रथमा का एक वचन, तजिता प्रथमा का एक वचन, तीन पद है। यो वास या स्त्रिया सचतोदित, यही प्रत्यांतों से श्वा प्रत्यय होगा, यही प्रत्यांश तजितांत थे, तजितांत जो प्रत्यय आया हुआ है, तजितांत का प्राय संज्ञा है, प्राचीन के प्रत्यय आ जाता है, लेकिन उस प्रत्यय जो आया है उसे आगे फिर सुप्रत्यय कैसे लाऊंगा, क्योंकि ये सुप संज्ञा वाला तो है नहीं, सुप के अंतर्गत तो है नहीं श्वा। या प्रातिपदिकात के अनुसार यंत से परमेश्व तो किया जा सकता है, यानी स्व का कृत तदित कोई संज्ञा नहीं करोगे, दोबारा प्रसंज्ञा नहीं होगी, स्व प्रत्यांग प्रसंज्ञा नहीं होगा ना, जब स्व प्रत्यांग प्रसंज्ञा नहीं होगा तो शुभ उत्पन्न नहीं होगा, फिर साधुपद बनेगा, इसीलिए उस स्व प्रत्यय का क्या नाम रख दिया उन्होंने, तद्धित नाम रख दिया। तद्धित नाम रखने से क्या हुआ, यंत तो तदित था, वो जो स्व किया वो अभी तदितांत माना जाए, स्व प्रत्यय का तत्संज्ञा होने से वह भी तदितांत है, पुनः प्राप्त संज्ञा होगी, स्वत तो स्वाद उत्पन्न हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसका विशेष रूपेण कह दिया वो जो है स्व प्रत्यय उसका तदित संज्ञा हो। स्त्रीत्व कक्षा में ही होता है, नहीं? स्व में भी शाह का एक संज्ञा हो जाएगा, उसके लिए सूत्र ला रहे हैं शाह प्रत्यय स्या, शाह प्रथमा प्रत्यय षष्ठी, प्रत्यय आदिशा प्रत्यय के आदिभूत निशकार का क्या होगा, इत संज्ञा हो जाएगा, इत संज्ञा होकर बचेगा क्या, इसलिए फा लोप हो गया, वो फा बचा, फा को क्या होगा, उसके लिए सूत्र आरंभ होता है आयनीय फड़ खचगाम प्रत्यादी नाम आयन ईन ईय, ये क्रम से आदेश होंगे किनको, फ ध ख छ घ को, जो कि जब ये जो अक्षर है प्रत्यय के आदि में होंगे तो प्रत्यादि नाम फड़ खचगाम, स्पष्ट है प्रत्यादि भूतानाम फादीनाम क्रमाद आयन्नादेह आदेशाः स्युः, आयन आदेश होंगे। तजितांत तत्वा देखो ईश्वर की तजित संज्ञा है ना, तजितांत होने के नाते प्राप्त संज्ञा होगा, प्रातिपदिकत्वा प्रासंज्ञान से स्वात्पत्ति होगा, रूप बनेगा गार्ग्यायण, गार्ग्यायणी तृतीय कक्षा में ना, गार्ग्यायणी शित्व सामर्थ्यात् श्वेन उक्तेपि स्त्रीत्वे, शित्व के सामर्थ्य से श्वा प्रत्यय के द्वारा स्त्रीत्व का कहने के बावजूद भी शित्वात् हम क्या करेंगे, पुनः गीश कर देंगे, शित गौरादिभ्य निश्चित करना व्यर्थ हो जाएगा, श्व क्यों कह रहे पाणिनी प्राचा फ तजित कह देते, क्योंकि आप फ प्रत्यय कर रहे स्त्रीत्व कक्षा में, उस स्त्रीत्व ज्ञापन हो ही गया, फ प्रत्यांत स्त्रीलिंग वाला बनी गया है, यानी स्त्रीलिंग में फ प्रत्यांत स्वयं सिद्ध हो ही गया है, पुनः स्त्रीत्व ज्योतन करने के लिए कोई और प्रत्यय करना इष्ट जब नहीं है, फिर शकार का उच्चारण करना व्यर्थ है, और उन्होंने उच्चारण किया उसे ज्ञापन होता है, केवल फ प्रत्यय स्त्रीलिंग विवक्षित होने के बावजूद भी उसको फ प्रत्यय को स्त्रीलिंग वाला साधु पद नहीं मानना चाहते हैं पाणिनि, वो चाहते हैं यहाँ शित किया इसलिए ताकि वो गीश हो, ईकारांत को ही वो स्त्रीलिंग वाला शब्द मानना चाहते हैं, केवल फ प्रत्यय जो अदंत रह जाएगा उसको नहीं मानना चाहते, यदि वो भी स्त्रीलिंग में आ गया, वही कह रहे हैं शित्व सामर्थ्यात् श्वेन उक्ते स्त्रीत्वे शित गौरादिभ्यश्चेति वक्षमाणो गीश और गार्ग्यायणी यह रूप बन जाएगा, देखिए इस प्रकार विचार है। प्राचांशवतयिता यनुवर्तते स्त्रियामिति अधिकृतम श्वेति लुप्त प्रथमाकम, श्व लुप्त प्रथमा के एक वचन का रूप है, तदा यंतादिति शाह प्रत्यय आदिटूढ़ आदि का अनुवृत्ति वा इतनुवर्तते उपदेश जो नासगित इत्यतः इत का अनुवृत्ति कर लिया तदाह प्रत्यस्यादिर शस्य इत्स्या शकारसित संज्ञायाम तस लोपः उसका लोप हो जाएगा, आयनीय इति आयन यई ईन ईय य एषां द्वन्द्वात् प्रथमा बहुवचनम् पढ़ ख छ घ एषां द्वन्द्वात् षष्ठी बहुवचनम्, यहाँ जब अकार जितने भी है उच्चारणार्थ माना गया मुख्य पक्ष में, फादिश्व आकार उच्चारणार्थ यथासंख्य परिभाषया क्रमेण अन्वय यथासंख्य मनोदेश समान सूत्र से
प्रथम के स्थान में प्रथम अक्षर के स्थान प्रथम आदेश होगा तदा प्रत्यादि भूतानाम इत्यादि ना आयन और नस्य हत इत्वे आयन के नकार को भी संज्ञा दिष्ट होता फिर तो क्या होता नित स्वर उपयोगी अपि नित स्वर का लाभ भी हो जाता लेकिन फिर भी न इतम फिर भी इस नकार की संज्ञा नहीं होगी आदेश उपदेशकालीन है ना उपदेशकालीन होने से वो अंत्य हल जो न है उसका संज्ञा होना चाहिए और विभक्ति संज्ञा तो ही विभक्त तो सुना निषेध कर सको तो क्या कैसे निषेध होगा फिर कहते ज्ञापन से क्या ज्ञापन है कहते फिनो नित करणात् ज्ञापकात् फिन को नित क्यों किया फिन प्रत्यय है फिन में नकार की संज्ञा कर दिया यदि फा को आयन आदेश होकर के उसी उस नकार की संज्ञा होने से ही स्वर लाभ हो रहा था फिर फिन में अलग से नकार और जोड़ करके तो फ को भी क्या हो जाएगा आयन हो जाएगा फिन में जो फ है उसको भी आयन आदेश होना यदि आयन आदेश के नकार की संज्ञा होना ही था उसे स्वर का लाभ तो होता फिर अलग से एक और नकार फिन कहने की क्या जरूरत पड़ेगी इसे ज्ञापन करना चाहते हैं फ को जो आयन होता है वह नकार की संज्ञा नहीं है अति उनको वहां फिन में नकार उच्चारण करना पड़ा ताकि वो संज्ञा होगा उस स्वर लाभ हो जाएगा इसे जहां उन्हें नकार की संज्ञा करके आदि उदात कर्णिष्ट नहीं है वहां उन्होंने फक कह दिया या श्व कह दिया वहां नकार को या ऐसे कोई स्वर को लाभ देने वाला वर्ण को साथ में जोड़ा नहीं इसे ज्ञापन होता है फ को जो आयन आदेश होता है उस नकार की संज्ञा नहीं होगा वही तो फिनो नित करणात् ज्ञापका तत्साहचार्य उसी की साहचर्य से ईन के जो नकार है उसकी भी संज्ञा नहीं होगी ये आदियों में जो यकार है उसका भी हलंत्यम से कोई संज्ञा कर सकता है वो भी नहीं होगा क्यों उसे कर संज्ञा करने पर क्या लाभ होगा प्रयोजना भाव संज्ञा नहीं क्योंकि या संज्ञा सासा फलवती होनी चाहिए ना आप संज्ञा कर तो दोगे लेकिन फल बताओ क्या है उसका नकार की संज्ञा करने का फल था इन नित्यम से आदि उदात हो रहा था यह कि ये संयम कर भी दे लोप कर दे तो क्या लाभ हो कोई लाभ नहीं है प्रयोजन नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं किया जाएगा ननो श्व से तो संज्ञा किमर्था श्व की तो संज्ञा क्यों किया आपने तैतांतत्वादि श्वांत से प्रातिपदिक प्रयोजन महा श्व प्रत्यंत की प्रसंज्ञा करने का लाभ उठाना है इसके लिए ही है उसका लाभ और क्या है शिद गौरादि वृष्टि वक्षमाण गीषिति शिदगौर इत्यत्र प्रातिपदिक निवृत्तम क्योंकि उस सूत्र में प्रातिपदिक का अधिकार चल रहा है प्रातिपदिक से ही वो गीष करेगा और स्व प्रत्यांग की तदित संज्ञा ना होता तो प्रासंज्ञा नहीं होगी तो गीष अधिकारी नहीं होगा ततश श्वांत से प्रातिपदिक भाव है गीष न सीति भाव स्व प्रत्यय नहीं स्त्रित्व से ज्योति तत्वात उक्तार्ता नाम अप्रयोगित न्याय तत्र कथम गीष उक्तार्ता नाम अप्रयोग न्याय एक बार एक अर्थ को जो आपने एक प्रत्यय आदि से ज्ञापन कर ही दिया है बोध हो ही रहा है वाच्यवाचक भाव से अद्योत्य भाव से अर्थ ज्ञान हो रहा है उसी अर्थ को पता लगे दोबारा एक और प्रत्यय करना व्यर्थ है उचित नहीं होगा प्रयोजन बिना अत्र कथम गीष विदता शित्व सामर्थ्यादि थी श्वेण द्योतित्य स्त्रित्व शीतकर्ण सामर्थ्य श्वाक के अंदर द्योतित्व के बावजूद भी उसको शीतकर्ण व्यर्थ होकर ज्ञापन व्यर्थत्व यहाँ पर ज्ञापन होता है ज्ञात में भी दोबारा गीष किया जाएगा मैंने उक्तार्थान अप्रयोग इस न्याय के विरुद्ध हम जाएंगे उस न्याय को भी अनित्य मानेंगे चित्तकर्ण सामर्थ्य गार्ग्यायणी यदि गर्ग से पत्य स्मृति विग्रह गर्गादि अयंता गार्ग्य शब्द श्व शकारित फकार से आयन आदेश ऐसे अकार अकार से लोप हृस्थिति तो न भवती क्यों इति अनुवृत्ते इति की अनुवृत्ति थी ईकार के प्रति भी वो लोग करता नहीं था नहीं करता आप अनादित्य न अनादिति निषेधात शित्वा गीष नत्तम इति भावा गार्गेणी रूप सिद्ध होता है यहाँ विशेष कुछ कर रहे तत्वबोधनी का प्राचांश वचयिता तजित ग्रहण श्व प्रत्यंत से प्रातिपद संज्ञार्थम तेन शिद्गौरव जी गीष सिद्ध थे ननो प्रासंज्ञा विनापि
शित कर्म सामर्थ्य देव कर दो गीश भविष्य किम ग्रहण है न च यंते यशी लोपार्थम तथिति नाच्यम यंतों में यशिच से लोप करने के लिए ग्रहण किया ये भी नहीं कह सकते क्यों सवर्ण दीर्घेणापि रूप सिद्ध लोप से अनावश्यकता सवर्ण दीर्घ के द्वारा व्यवहार रूप सिद्ध हो सकता है लोप करने की क्या जरूरत है एवं तरी तेज ग्रहण यंतादपि क्वचित श्व भवती यदि ज्ञापनार्थ तो तदित जो ग्रहण किया वो केवल यंतों से नहीं यंतों को भी हो जाता है क्यों सूत्र पूर्व क्या करें यही औश्च यही औश्च से यही मात्र की अनुवृत्ति किया आपने लेकिन स्व का तदित संज्ञाकरण के सामर्थ्य से ज्ञापन हो रहा है यंतों को भी कहीं कहीं पर सर्वत्र नहीं होगा क्वचित प्रयोगानुसार है ना लक्षानुरोधेन प्रवृत्ति क्या कहते हैं लक्षानुरोधेन सूत्र ही प्रवृत्त होना अवश्यम भावी प्रवृत्ति नहीं है ये तो ज्ञापनार्थम तेना आसुरेर उपसंख्यान वाक्षमाण सिद्ध्यति आसुरायणी बनाते ना वो लाभ हो जाएगा शह प्रत्यय से आदर टोडवा आदरितर्वर्तते प्रत्यय प्रत्यय से आदरती प्रत्यय से किम प्रत्यय के आदि भूतामूर्धन शकार की संज्ञा कर लोप होता है क्यों कहते हो प्रातिपदिक के आदि भूत शकार को न करें आप क्या है प्रातिपदिक षड शश है शश है वास्तव प्रातिपदिक क्या था शश उससे आपने प्रत्येक षोडश बना रहे हैं है ना षोडश अब यहाँ जो शश है प्रातिपदिक है उसके आदिभूत है मूर्धन शकार उसकी संज्ञा न हो इसलिए प्रत्यय से कह दिया शश उत्तम इत्यादि है इत्यत्र उपदेशस्तो अयम शकार ये तच्च कौस्तुभे स्थितम आदि किम उसे प्रत्यय प्रत्येक आदि आदि टोटस आदि की अनुवृत्ति किया आपने हैं आदि किम कहते अविषह महिष ये कैसे बनता है अव्य महियोश टिशच 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 के शकार कहाँ गया मध्य में आ गया क्योंकि आदि में कौन है टिशच प्रत्यय का टी है आदि टूटो से टीपुर की संज्ञा कर लोप हो जाएगा अतः प्रत्येक आदि में शकार नहीं है प्रत्येक मध्य शकार माना जाएगा इसे उसका संज्ञा नहीं होगा तो रूप बन गया अविषह महिष नन्वत्र प्रयोजना भावादेव शकार से संज्ञा न भविष्यति प्रयोजना भाव के कारण से यहाँ पर शकार से संज्ञा नहीं होगी टित्वादेव अविषी महिषी इति रूप सिद्धे टित्वादेव गिप भी हो सकता है शितकर्ण यदि शकार की संज्ञा हो भी जाता कोई प्रयोजन नहीं रहेगा क्योंकि टी की संज्ञा हो गई है तो टित्वादेव ही वहां पर क्या हो रहा था गीप होकर स्थलकर बनी जाएगा अरे शकार की संज्ञा कर भी दो प्रयोजन नहीं रहा अतएव हम नहीं करेंगे प्रयोजना भावात शकार की संज्ञा नहीं होगा ये कह सकते हो अतः ये प्रयोजन अपने जो दिखाए आदि ग्रहण करने अनुवृत्ति करने का प्रयोजन आप जो दिखा रहे हो उचित नहीं है कोई और प्रयोजन दिखाना पड़ेगा न च पक्षे गीशी अंतोदात्त प्रयोजन यदि कोई कह सकता है अरे गीप तो पित है ना सुपिताओ अनुदात वो तो अनुदात कर डालेगा इसीलिए हमें गीश के आदिदात करना भी इष्ट है इति प्रयोजना प्रयोजनम गीश की वजह से अंतोदात भी हो जाएगा पक्ष में ये लाभ है अनुदात यत्र उदात्त लोप इति उदात्त निवृत्ति स्वर्ण टिता पर से गीशो अपनी उदात्तत्वा गीश भी वास्तव में अंतोदात नहीं हो पाए वो भी उदात्त ही बन जाएगा आदिदात्य हो जाएगा क्योंकि नियम है अनुदात से यत्र उदात्त लोप ये सूत्र के आधार पर अत्राहु इस विषय में कहना है विनिगमना अभावेन पक्षे टकार श्रवणम स्यात् विनिगमना अभाव है मैंने एक तर पक्षपात युक्ति का अभाव होने के कारण से हम टकार का भी श्रवण होगा कह सकते हैं क्योंकि टी में आदि में ट है और ई भी है वहां पर प्रत्येक क्या था टिशच है कहते हैं विनिगमना विरा अभावेन पक्षे टकारस्याभिश्रवण स्यात् तथा च शित्वात् गीशी अविशी इत्यादि रूप सिद्धि स्यात् शित्वात् उस समय गीशी कर दूंगा और अविशी इत्यादि रूप सिद्ध कर लेंगे अतः शकारस्य श्रवण भवतु मा कदाचित् टकारस्य श्रवण भूत इत्यदर्थम आदि ग्रहणानुवृत्तिर इति जैसे शकार का ही श्रवण होवे और टकार का श्रवण ना हो इसीलिए ही यहाँ पर क्या शाह प्रत्यय से शव कह दिया आदि की अनुवृत्ति हमने कर लिया शाह अब यदि आप श्रवण करना होता वहां पर फिर मध्य में से है ना आदि में तो है नहीं
उसकी संज्ञा होगी, श्रवण हो जाएगा, ये लाभ है। इति लाभ ग्रहण अनुवृत्ति आयनयनी यदि आयनी नोर नकार से आयन और इन, इन दोनों के नकार का नयत्वम, क्यों फिनोनित्करण सामर्थ्य फकरादिशु अकार उच्चारणार्थ तेना। हम और भी जगह बहुत जगह हैं जहाँ ढ वगैरह हैं, वहाँ हम आदेश नहीं करते हैं, जैसे ढक फी आदि नाम आदेश सिद्ध्यति, इन जगह में तो सिद्ध हो जाएगा, ढ को फ को, ढ को यही आदेश हो जाएगा, फ को आयन आदेश हो जाएगा। लेकिन आगे देखो पदकृत करेंगे आदिग्रहण किम वृद्ध गंधम इत्यादि अभूत दघनच, दघन कच्छ में भी घ है ना बीच में, और घ को ये आदेश नहीं किया हमने, क्यों वो आदि में नहीं है मध्य में है। प्रत्येक किम प्रत्येक ही आदि होना चाहिए, क्योंकि धातु आदि नाम माभूत, धातु की आदि भूत फ घ इत्यादि उनको ना होवे, नहीं तो फक्कति फक्क धातु है वो फ को भी आयन आदेश हो जाता, ढौकते ढौकरी गतव धातु है वहां पर ढक आदेश हो जाता, खनती है ना खन धातु है, छाद्यति छाद्री धातु, घूर्णते इत्यादि धातुओं में भी देखो सब के एक दृष्टांत है ना, फ ढ ख छ घ सब के एक दृष्टांत दे दिया, ये सब धातु की आदि होता है, इनको नहीं होगा। तब तक समस्या दूसरा आएगा घई, घई भी तो घ है और घ को ही आदेश कर देते मौतिक संज्ञा करते हुए, आप घे में आप क्या करते हैं लशक संज्ञा करके वहां पर अबचता है, ऐसे क्यों किया, वहां भी घ को ही आदेश कर दो। घयादिशो तो चजो को घिण्य तो इत्यादि निर्देश न इत संज्ञा या भावी आदेश अभाव लाभ यही है कि घयादियों में कैसे ज्ञापन हुआ चजो को घित कर घित माने वहां घकार की संज्ञा माना उन्होंने, यदि घ को आदेश ही होना था इस संज्ञा होना ही नहीं है, फिर गित कहां मिलेगा हमको, गित तो मिलेगा ही नहीं, फिर चजो को घिण्य तो कैसे कहे पाणिनि ने, पाणिनि का यह गित कहने का तात्पर्य था कि कृदंत में जितने भी घाली प्रत्यय होंगे वह घकारों का इस संज्ञा होता है, अच्छा तद्धित में जो घाली प्रत्यय है वहां लगना है नहीं, क्योंकि लचक व तद्धिते लचक को अतद्धिते कह दिया है, मन अतद्धित कोई इत संज्ञा होगा तद्धित को कोई संज्ञा नहीं होगा, जब पाणिनि का इस तरह से प्रयोग है सूत्र का प्रयोग, और यहाँ घिण्यतः कहने के ज्ञापन होता है घयादि प्रत्यय जो कृदंत प्रत्यय कृत संजक प्रत्यय है उन कृत संजक प्रत्यय घ आदियों का इत संज्ञा ही होगी और वह यह आदेश अधिकारी नहीं होंगे। इसी प्रकार लेकिन यहाँ तो प्रत्यय है शमेर ढह सूत्र है कहाँ का उणादि का ये, यहाँ का ढ को ही फिर कर देना चाहिए ये आदेश, रूप अंत है षंड इत्यम आदि नाम एते आदेशा न भवंती, उन जगहों में भी आदेश नहीं, क्यों उणादियों को भी कृदंत में ही आप मान लेते हैं, उणादियो बहुलम तो दूसरी जवाब भी दे दिया उणादे बहुलम यदि बहुल वचन आदि थी दिख बहुल कात भी या ढ को ये आदेश नहीं हुआ, क्रमाद फ को आयन ढ को ये ख को इन छ को य और घ को य आदेश हो जाते इत्यर्थ। एकमेव अस्तित्व उभाभ्याम उच्चति भाव, यही भी आपने जो किया उससे आपने स्व प्रत्यय कर दिया स्त्रित्व कक्षा नियंत्र से स्व प्रत्यय स्त्रित्व में, और फिर शीत सामर्थ्य आपने गीष भी कर दिया स्त्रित्व में, दो दो प्रत्यय स्त्रित्व का बोध करा रहे हैं स्व भी और गीष भी, वही कह रहे हैं कि इसलिए हम क्या मानेंगे एकमेव स्त्रित्व, ये नहीं समझना उससे बोध्य स्व से बोध्य स्त्रित्व अलग है शिव से बोध्य स्त्रित्व अलग है दो, नहीं तो क्या होगा जैसे यहाँ गर्गस्य अपत्यम स्त्री, गर्गस्य अपत्यम स्त्री इस अर्थ में आपने स्व कर दिया उसका भी स्त्री ऐसा अर्थ करोगे क्या, मैंने उसका भी पेटी स्त्री ऐसा अर्थ नहीं है, दोनों प्रत्ययों के द्वारा एक ही स्त्री का बोध होगा, भले ही स्त्रित्व कक्षा में दो दो प्रत्यय एक के बाद एक, ये नहीं समझना गर्ग का बेटी ये है और उसकी भी बेटी वो है ऐसे बताने के लिए फिर गीश आया ऐसा अर्थ ना समझे, किंतु दोनों प्रत्ययों के द्वारा एक ही स्त्री का बोध होगा। एकमेव स्त्रित्व उभाभ्याम उच्यते इति भाव सर्वत्र ग्रहणम उत्तर सूत्रादि
यह अपकृषत है बालक बाधनार्थम। सर्वत्र ग्रहण जो किया, ये कहा है किया इन्होंने सर्वत्र ग्रहण, मूल में तो कहीं है नहीं, ये तो करें ना आगे सूत्र आ रहा है ना, आगे सूत्र में जो सर्वत्र है उसको इस सूत्र में भी ला रहे हैं, बोल रहे हैं वो सूत्र की व्याख्या तो आगे हम करेंगे, सर्वत्र तो अलग है, ये तो इसकी चल रही है ना अभी। सर्वत्र ग्रहणम उत्तर सूत्राद यह अपकृष्यत बोल रहे हैं ना, उत्तर सूत्र से हम यहाँ ला रहे हैं, पूर्व सूत्र में, उत्तर सूत्र से पूर्व सूत्र में हम ला रहे हैं, क्योंकि पूर्व सूत्र कौन था, प्राचांशपतजित, ये 4.17 का है और 4.18 का है सर्वत्र लोहितादि कथन ते पे, मैंने उनका कहना है प्राचांशपतजित सूत्र में भी सर्वत्र को ला रहे हैं, अनुवृत्ति कर अपकर्षण, अनुवृत्ति नहीं अपकर्षण करेंगे, वो पीछे से आगे आने के लिए अनुवृत्ति कहा जाता है, आगे से पीछे लाने के लिए अपकर्षण कहा जाता है, ये आगे से पीछे लाने ये बात कह रहे हैं आप, मन इस सूत्र के वृत्ति में भी सर्वत्र को जोड़ना चाहते हैं, वास्याम सचित सर्वत्र देवा जोड़ना चाहते हैं वृत्ति में वो, तेना इसका लाभ क्या है, आवट्याच्छी वक्षमाणम परम चापम बाधित्वा, पर्वत चाप को ये बाध करके प्राचा मते आवट्य शब्दी स्व एव भवती चाप विदेश तू उदीचा मते सावकाशत्व आवट्या यानी यह भी बन जाएगा, ये लाभ है सर्वत्र खाने से, बाधक का भी बाध कर देंगे, क्योंकि स्व को बाध करके आ रहा था चाप, वो चाप को भी बाध करके वापस स्व करने के लिए सर्वत्र को ग्रहण करना पड़ेगा, सर्वत्र क्यों कहने कि उदीचा मते चाप होता है, और आप कहते सर्वत्र सर्वत्र उदीचाम प्राचाम अवाच्याम सर्वत्र, मैंने सभी दिशा के सब आचार्यों के मत में स्व भी इष्ट है, अपने आप क्या हो जाएगा तब विकल्प हो गया है ना, उदीचा मते चाप होगा अन्य मते स्व भी हो जाएगा, नहीं तो क्या होता है इसको बाध करके हमेशा ही केवल चाप होता, स्व प्रत्यंत आवर्त्यानि रूप नहीं बनता, प्राचा मते आवट्य शब्दात अपि स्व एव भवति चा विदेश तो उदीचा मते सावकाशत्वात् आवट्य निरूपम सिद्धम एवं शादेयश्चाप विषये अपि प्राचा स्व एव शार्कराक्षायणी इति यथा, जैसे शार्कराक्षायणी के रूप बनते सर्वत्र कह दिया ना, अन्य में भी इसी प्रकार से समझना, शादेयश्च चाप विषय अपि इन सब के विषयों में भी ऐसे ही होगा, शव प्रत्यय न्याय प्रत्यय और चाप का विषय जो जो है उन सभी के स्थलों में भी प्राचीन आचार्य के मत में स्व भी हो जाएगा, अतएव शार्क राक्षायणी इत्यादि रूप की सिद्धि हो जाती है, ये विशेष बात है। सर्वत्र लोहितादि कथंतेभ्य सूत्र आरंभ होता है सर्वत्र अभ्य है, बाकी पंचमी का बहुवचन, लोहितादिभ्य कथशब्दांतेभ्य ययंतेभ्य नित्यम श्वास्या, जिसका नित्यम कह दिया, लोहित्यायनी कात्यायनी इत्यादि बनता है, कौरव्य मांडुकाभ्यां च, कौरव्य और मांडुक इन दो शब्दों से भी श्व प्रत्यय हो जाएगा, आभ्यां श्वास्या इन सब जगह में उत्तरितक आ जाएगा अनुवृत्ति, इनका तजित संज्ञा भी होगा, शीतपाल गीश भी होकर के रूप बन रहे सब जगह समझना, क्रमेण ताप गीशोर अपवाद, क्रम से क्या कर रहे हैं, कौरव्य शब्द से ताप और मांडू का शब्द से गीशश्च अपवाद इत्यर्थ, ये इसका अर्थ है आप क्रमेणा का, क्रमेण ताप गीशोर अपवाद कुर्वादिभ्योण, कैसे बना कौरव्य, क्योंकि कुर्वाद भी अन्य से नियवा कौरव्यायनी और ढक्च मंडूकात इति चात क्या हो गया, अनंत है मांडूक शब्द जो सूत्र में लिया गया मांडूक, उससे स्व हो गया मांडुकायनी बना, आसे आसुरेर अपत्य संख्यानम आसुरेर रूप संख्यानम आसुरेर रूप संख्यानम आसुरायणी, यहाँ लाभ हो गया स्व का, यहाँ तक की टीका देख लीजिए, सर्वत्र लोहितादि गर्गाद्यंतर्गण, ये वास्तव में गर्गादि के गण के अंतर्गत ही विद्यमान गण है,
लोहित आदि येषा कथा अंतो येषा इति विग्रह कथंत इत्यत्र कथांत क्यों नहीं हुआ फिर कथांत कथांत होना चाहिए था कथंत कैसे हो गया बोले शकंद वादी गण में लेकर किसको प्ररूप कर देना शकंद यही थे अनुवृत्तम बहुवचनांत वर्णम्य थे उसके बहुवचनांत बना लेना से सूत्रम प्राचाम वर्जम प्राचाम शब्द को छोड़ के तो दोनों की अनुवृत्ति करना सर्वत्रिति सर्वेशु मतेषु सभी के मतों में सभी आचार्य बुद्धिचाम प्राचाम सभी आचार्यों के मत में इत्यर्थः नित्यम इतिहा कनक तात्पर्य नित्य योग विकल्प नहीं रह गया तदा लोहितादि इत्यादि ना लोहित्यायनी लोहित से अपत्यम स्तृति विग्रह लोहित शब्दात गर्गायंतात् श्व श इत् शका फकार से आयन ऐसी स्थिति यकार अधकार से लोप तैत इत्यापि अनुवृत्ते है शित्ता किस्ति भाव कहते हैं उसे पूर्वत प्रक्रिया योज बोध दिया कौरव्य मांडू का अभ्याम में बोल रहे अभ्याम थी इन कौरव्य मांडू का अभ्याम क्रमेण कौरव्य शब्दात ताप मांडू का शब्दात गीशश्च अपवाद इत्यर्थः कौरव्य शब्द से ताप और मांडू का शब्द से गीशश्च अपवाद इत्यर्थः ये इसका अर्थ है आप क्रमेण का कौरव्य शब्द कैसा बना था कहते हैं कौरव्य शब्द से येन तत्वात् मांडुक शब्द से अन्नं तत्वात् च वहां पर ताप और गीश की प्राप्ति थी गीपो अपवाद इति उचितम वास्तव में गीशोपवाद जो कहा वो ठीक नहीं कि अन्नं तत्व टिड्डाणे अण है ना टिड्डाणे अण अंत क्या होता है गीप प्राप्त होता है गीश तो प्राप्त है इसे इन्होंने गीश जो कहा मूल कारण वो ठीक नहीं जैसे गीपो अपवाद इत्युचितम इति भ्रमं वारयितुमाह कुर्वादिभ्य इत्यादीना कुर्वादिभ्य कौरव्यायणी इति कुरोरपत्यम स्तृति विग्रह कुर्वादिभ्यो न्यः इति न्यः नकारित और गुण आदिवृद्धि गोत्रंच चरणैः सह इति जातित्वेपि योपदत्त्वात् चातुरस्त्री विषयति गीशभावे ताप प्राप्त तम पारित्वा श्वः शैत आयन इसी स्थिति अकार लोप चित्ता गीश इसी स्थिति भाव दोबारा आकार लोप जो हुआ वहां दोबारा ऐसे चे लगाना पड़ता है प्रक्रिया है सीधा सूत्रों को बता दिया मांडुकाय नहीं थी मंडुको नाम ऋषि तस्य पद स्त्री ले लो ढक च मंडुका ध्यान आदि वृद्धि ऐसी स्थिति गोत्र चरण सहित जातित्वा गीश प्राप्त तम पारित्वा श्वः ये देखो जाति पुष्य मानेंगे तो गीशी प्राप्त गीप नहीं अनंत तत्व गीप नहीं होगा किंतु जातित्वात् गीशी प्राप्त होगा इसलिए मूल कार सही है आयन इति शित्वात् गीश इति भाव टाप गीपोर अपवाद इति पाठस्तु इसे कोई यदि टाप गीपोर अपवाद कहता है वो उल्टा गलत है अपवाद प्रामाणिक इति गीपोर है ये आसुरेर उपसंज्ञानम श्वसिति शेषा आसुर नहीं थी असुर से अपत्यम स्त्री थी विग्रह अतीत आदि वृद्धि स्व शैत आयन यशित शिता गीश यशित लोप करके नत्तम इति भाव आसुरायणी रूप बन जाता है।